99% लोग शिकार हो जाते हैं, यानी कि टाइटल इंग्लिश में है, थंबनेल इंग्लिश में है, और जैसे ही वीडियो को ओपन करते हैं तो आगे डिस्कशन उर्दू में स्टार्ट हो जाती है। ये क्या है? आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर करूं माय डियर फ्रेंड्स, कि जैसे ही हम इंग्लिश में पोस्ट करते हैं, अपने मैसेज को शेयर करते हैं, तो उसके बाद क्या जो ऑडियंस आती है वो इंग्लिश को जानने वाली होती है या हमारे थंबनेल की वजह से आती है? ये डिस्कशन मेरा ख्याल है, मुझे यकीन है कि आप समझ रहे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश के लेवल को किस तरह से जाने? यानी एक तो ये सिचुएशन है कि इंग्लिश हम फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, और एक ये सिचुएशन है कि हमें इंग्लिश नहीं आती। मैं आपके साथ ये शेयर नहीं कर रहा कि इंग्लिश को किस तरह से आज के सेशन में जाना जाए, सीखा जाए। मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारी सोच है, किस तरह से हम उसके लेवल को जाने। तीन स्टेप शेयर करूंगा। नंबर वन स्टेप, कि जैसा कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया कि अपने थंबनेल्स को माय डियर फ्रेंड्स इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दें। यानी कि अगर आप हिंदी में अपने थंबनेल को क्रिएट करते हैं, या जो आपकी प्रॉपर जुबान है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि आप अपनी जुबान को छोड़ दें। मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि आप उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। जैसे ही हम नंबर वन स्टेप में इंग्लिश में थंबनेल क्रिएट करते हैं, तो हमारी ऑडियंस का सर्कल बढ़ना शुरू कर देता है। ये मैं ऑडियंस के साथ आपके साथ ट्रिक भी शेयर कर रहा हूं। नंबर टू स्टेप आपके साथ शेयर करूं तो, अब मेरा मोटिवेशनल चैनल है तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि रेगुलर बेसिस पर डे टू डे वीडियो को अपडेट किया जाए, मोटिवेशन आपके साथ शेयर की जाए। तो मेरा सेशन रेगुलर होता है, मैं रेगुलर आपके साथ नए से नए टॉपिक को डिस्कस करता हूं। तो यहां से हमारे पास जो टिप है इंग्लिश लेवल की, वो ये है। अब मेरा मोटिवेशनल चैनल है तो मैं मोटिवेशन कोट्स भी आपके साथ शेयर करता हूं। अब ऐसा नहीं कि एक दिन शेयर करता हूं, नहीं, मेरे कोट्स भी प्रॉपर आपको डे टू डे मिलते हैं, और उसके साथ यानी कि इंग्लिश में कोट होते हैं, उसके साथ मैं पाकिस्तानी हूं, उर्दू मेरी जबान है, मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके भी शेयर करता हूं। तो आपके पास दूसरी ट्रिक ये है कि आप मिसाल के तौर पर अगर आप मोटिवेशन वीडियोस बनाते हैं तो आप भी मोटिवेशनल कोट्स को या तो मेरे चैनल से आप कॉपी कर सकते हैं या आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप कुकिंग की वीडियोस बनाते हैं तो आप कुकिंग की रेसिपी को सिर्फ और सिर्फ मिसाल के तौर पर, अब मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि आप रेसिपी को या तो पेज पर लिख कर या उसका बेहतरीन सा आप लोगो बनाकर आप वो भी वीडियो के साथ शेयर कर सकते हैं। माई डियर फ्रेंड्स, ये ऑडियंस की ट्रिक में आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूं क्योंकि हमारा इंग्लिश लेवल जितना अपग्रेड होता जाता है, हमारा चैनल और चैनल की ग्रोथ उतनी बढ़ती जाती है। नंबर थ्री स्टेप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वो ये है कि हमारा अपने चैनल पर जितने भी हमने इंग्लिश के टॉपिक्स को शेयर किया है, उन सबको इकट्ठा करके एक प्लेलिस्ट क्रिएट की जाए। यानी कि जैसे ही हम अपने इंग्लिश लेवल को, ये सारे पॉइंट्स, ये सारी ट्रिक्स हमारे इंग्लिश लेवल को अपग्रेड करती हैं, और जिससे ना सिर्फ हम अपने इंग्लिश लेवल को जानते हैं बल्कि समेटते भी हैं और बढ़ाते भी हैं, और हमें मालूम होता है कि हमारा इंग्लिश लेवल क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास फ्री टाइम तो होता है, यानी कि आप भी फ्री टाइम होता है आपके पास, दिन में 2-3 घंटे तो होते हैं जिसमें हम सिर्फ वो सिर्फ YouTube या ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम ऑडियो बुक को सुन लें
ओहो, ऑडियो बुक यानी कि YouTube पे अगर हम ऑडियो बुक लिखें और एंटर करें तो हमारे सामने ऑडियो बुक्स आ जाएंगी। हम इंटरनेट वेबसाइट पर किसी भी हम मोबाइल में हैं तो हमारे पास ऐप के ज़रिए हम ऑडियो बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ लैंग्वेज, मुख्तलिफ़ वॉइस, अब मिसाल के तौर पर मर्दों के लिए मर्दों की आवाज़, औरतों के लिए औरतों की आवाज़, बच्चों के लिए बच्चों की आवाज़, तो इस तरह से भी हम इंग्लिश के लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं। तीन टिप्स और तीन स्टेप आज के सेशन में आपके साथ मैंने शेयर किए। मुझे यकीन है कि आज के सेशन में आपने अपने इंग्लिश के लेवल को अपग्रेड किया होगा। मजीद आपके साथ में शेयर करूंगा वीडियोस, सेशंस, सेमिनार्स। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।